GPM Fab 32 है। मैं इसमें आपको बताता हूँ कि सेंटरिंग कैसे किया जाता है। इसमें बबल को टिल्ट बबल, इसको टिल्ट बबल बोलते हैं। ये जो 360 डिग्री मूव कर रहा इसको टेलीस्कोप बोलते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट ग्लास है, ये आईपीस है जिसके क्रॉस हेयर को हम एडजस्ट करते हैं। जब क्रॉस हेयर हम मेरा एडजस्ट नहीं होता है तो मैं आईपीस से क्रॉस हेयर को एडजस्ट करते हैं। ये मेरा फोक्सिंग स्क्रू है। जब ऑब्जेक्ट साफ क्लियर नहीं दिखता है तो हम फोक्सिंग स्क्रू का यूज करते हुए हम क्लियर करते हैं ऑब्जेक्ट को। ओके, ये देखिए, ये मेरा बबल है जो टेलीस्कोप को रोटेट होने में रोकता है। ये क्लैम्प, ये मेरा टेंजेंट स्क्रू है, इससे हम क्रॉस हेयर को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, यानी सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में लाने के लिए इस टेंजेंट का यूज करते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को रोकने के लिए ये क्लैम्प का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मूव होना बंद हो गया है, फिर मैं इस क्लैम को लूज कर देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल क्लैम्प में मूव कर रहा है। इसी तरह इसको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बोलते हैं, जो क्रॉस हेयर को एग्जैक्ट लाने के लिए इस टेंजेंट स्क्रू का यूज करते हैं। ओके, अब मैं बताता हूँ कि टिल्ट बबल को किस तरह से लेवल किया जाता है। बबल है जो सेंटर में नहीं है, मैं इस सेंटर में इसको ला रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, दोनों फुट स्क्रू को इसके पैरेलल रख के यहाँ पे मैं टिल्ट बबल को सेंटर में ला रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे सेंटर में आ चुका है। अब मैं ये दोनों के पैरेलल कर लिया हूँ। अब तीसरा बबल को परपेंडिकुलर रखते हुए यहाँ पे इस क्रॉस को देखते हुए 90 डिग्री पे इसको रखना है और इस फुट के स्क्रू को घुमाते हुए टिल्ट बबल को सेंटर में लाना है। टिल्ट बबल सेंटर में आ गया है। अब फिर से मैं उसी पोजीशन पे लाता हूँ। यहाँ पे फिर लोअर कलम को लूज कर देता हूँ, फिर उसी पोजीशन पे ला के रखता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पावर बटन को प्रेस करेंगे। ये मेरा स्क्रीन ओपन हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसको पावर बटन को ऑन करने के बाद टेलीस्कोप को थोड़ा मूव करना है। तो ये देखिए, मेरा स्क्रीन इस टाइप का दिखेगा। उसके बाद मैं जीरो प्रेस करने वाला हूँ, जीरो। यहाँ पे देखिए, ये आ गया है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यहाँ पे ग्रेजुएशन दिए गए हैं। अब मैं हॉरिजॉन्टल को 5 सेकेंड से कम लाना है, तो यहाँ पे दोनों फुट स्क्रू को एक साथ घुमाते हुए 5 सेकेंड से नीचे करना है। से कम सेकेंड पे लाना, यहाँ पे 3 सेकेंड पे आ गया। अब मैं वर्टिकल वाले को, ये जो वर्टिकल दिख रहा है, वर्टिकल वाले को एडजस्ट करना है, तो वो तीसरे स्क्रू से करना है। यहाँ पे देखिए, मैं अब तीसरे स्क्रू को घुमाते हुए, यहाँ पे देखिए, ये एडजस्ट हो चुका है। अब ये एस्टिमेट जो मेरा, वो टारगेट हम कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये मेरा सेंटरिंग अच्छे से हो चुका है, लेवलिंग हो चुका है। यहाँ पे अब हमको एस्केप करना है। ये एस्केप बटन येलो कलर का जो दिख रहा है, इसको एस्केप कर देना है। अच्छा, अब मेरा एस्टिमेट तैयार रेडी हो गया है। यहाँ पे ये हमारे जरताब साहब है, यहाँ पे हमारे साथी लोग हैं, यहाँ पे हमारे साथी लोग हैं, ये हमारा मानू पॉलीटेक्निक बिल्डिंग है। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज मोहम्मद आरिफ। मैं आज आपको जॉब किस तरह से टोटल स्टेशन में सेटिंग किया जाता है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम टोटल स्टेशन को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद मेरा डिस्प्ले इस तरह का दिखेगा। टेलीस्कोप को मूव करना है, तो स्क्रीन इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टिल्ट पहले से कर लिए हैं हम, अब यहाँ पे मेनू पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है, उस पर जाना है जॉब क्रिएट करने के लिए। जॉब पे इंटर करेंगे, अब यहाँ पे क्रिएट लिखा हुआ है, तो क्रिएट के नीचे वाला बटन MSR1 है, तो मैं MSR1 को क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जॉब नेम डालना है हमको, जॉब नेम मैं डाल लेता हूँ कुछ भी, ए डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल लिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे को इंटर कर देना है, उसके बाद ओके के नीचे एनजी बटन है, उसको क्लिक कर देना है या इंटर बटन को क्लिक कर देना। यहाँ पे मेरा जॉब क्रिएट हो गया है।